नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल सभी यात्रियों को बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। जी हां, सभी रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अभी भारतीय रेल एक बड़ा ऐलान किया है कि 25 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 25 नई वंदे भारत ट्रेन कब से चलेंगी, किन किन राज्यों और शहरों से होकर चलने वाली है, वंदे भारत ट्रेन की स्पीड क्या होने वाली है और किन किन सुविधाओं से ये ट्रेन लेस होंगी। इन तमाम सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, सभी रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मार्च 2023 तक 25 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। नए जमाने की वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकती है। देश में अभी 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। इसमें से 2 को हाल में शुरू किया गया है और वे नए जमाने की हैं। गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस 30 सितंबर को शुरू की गई थी, लेकिन अक्टूबर में कई बार इसके ट्रैक पर मवेशी आ गए थे, जिससे इसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था। नए जमाने की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अभी ICF में बनाई जा रही है और इसके अगले कुछ दिनों में तैयार होने की उम्मीद है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO BK त्रिपाठी ने ICF का दौरा करके चौथी ट्रेन पर चल रहे काम को देखा था। यह ट्रेन चेन्नई और मैसूरू के बीच दौड़ेंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार के पटना से 2023 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि पटना से दिल्ली की दूरी महज 3 से 4 घंटे की होगी। आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह एयर कंडीशन चेयर कार है और शताब्दी एक्सप्रेस का प्रीमियम वर्जन है। शताब्दी ट्रेन लोकोमोटिव से चलती है, जबकि वंदे भारत एक सेल्फ प्रीपेड ट्रेन सेट है। इस ट्रेन में आपको विमान की तरह सुविधाएं मिलेंगी। स्लाइडिंग फुट स्टेप के साथ ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं, जो कि 180 डिग्री घूम सकती है। साथ ही एयरक्राफ्ट की तरह डिफ्यूज लाइट्स, इंडिविजुअल रीडिंग लाइट्स और इसके ड्राइवर का केबिन बुलेट ट्रेन की तरह है। रेलवे ने पहली वंदे भारत ट्रेन 2019 में निकाली थी। यह वंदे भारत ट्रेन का प्रोटोटाइप था और इसे ट्रेन 18 का नाम दिया गया था। ऐसी 2 ट्रेनें दिल्ली से वाराणसी और कटरा के लिए शुरू की गई थी। 2022 में आई नई वंदे भारत ट्रेनों में कई तरह की सुविधाएं हैं। आपको बता दें, 15 राज्यों के लिए 25 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो दोस्तों, सभी यात्रियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, मार्च 2023 तक 25 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज के इस वीडियो में इसी अपडेट को लेकर जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।